वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछला 23 नवंबर को इमरजेंसी बेसिस पे एक तो फाइकास को रिपोर्टिंग किया था और उसका पूरा वीडियो मेरे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और लगभग 21 दिन बाद आज उसका अपडेट वीडियो है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे रिस्पॉन्स किया और सर्वाइवल का क्या सिम्टम है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक रैप किया था इसके अंदर वाटर ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहा है शायद आप लोगों को। वो जो प्लास्टिक रैप किया था उसके अंदर एक ठो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। इससे क्या होता है, आपका जो प्लांट है इसका सर्वाइव होने का रेट बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं प्लास्टिक को रिमूव करके इसका अंदर जो फाइकास का पेड़ हम लोग लगाए थे उसका रिस्पॉन्स कैसा है। आज इसका काटिंग और प्रूनिंग कुछ नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। और ये जो प्लास्टिक के अंदर जो वाटर ग्रैन्यूल या मॉइस्चर का जो ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रहा है, यही मेन रीज़न है इसका इतना बढ़िया रिस्पॉन्स करने का। इस सर्दी के वक्त में शायद ही कोई आपको ऐसा रिपोर्टिंग का प्रोसीड्योर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग का काम हम लोग इन जनरली मार्च के बाद से, फरवरी के एंड या मार्च के बाद से करते हैं। और उस टाइम पे जो वाटरिंग किया था उसके बाद से अभी तक इसमें हमने दोबारा वाटरिंग नहीं किया है। और आप लोग शायद देख सकते हैं पॉट के एज में भी जो मॉस था, नेचुरल ग्रोइंग मॉस था, उसको भी इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है और वो एकदम बरसात की तरह पूरा ग्रीन हो चुका है। और पेड़ को तो नीचे से एंकरिंग नहीं किया था, तो इसको स्टेबल रखने के लिए इसके जो ग्राउंड पोर्शन है उसमें मैंने कुछ रॉक्स रख दिया था। इससे क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगा। और आप शायद देख सकते हैं हर एक लीफ नोड से रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी सारा नया शूट्स ग्रो हुआ है। और अभी तो सर्दी का महीना चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो अभी इसका काटिंग, प्रूनिंग, अनवांटेड ब्रांच रिमूविंग, वायरिंग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको आज फंगीसाइड स्प्रे करेंगे ताकि ये जो रिस्पॉन्स मिला है ये बना रहे और इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा आगे बढ़े। और अगला फरवरी और मार्च में इसमें हम लोग काम करेंगे। एंटी फंगीसाइड के लिए मैं हमेशा साफ इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो कंटेनर आप लोग देख रहे हैं ये 500 ml का है, तो इसमें मैं करीबन हाफ से एक ग्राम तक साफ लूँगा और 500 ml पानी ले लूँगा। उसके बाद देखिए डाइल्यूशन जो है वो रेडी हो चुका है और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद क्या है, इसको आपको पूरा पेड़ में, पॉट में, उसका बेस में इसको स्प्रे करना है, क्योंकि ये जो रेस्पॉन्स मिला है इसके बाद से ही खतरा का जो कारण होता है फंगस, क्योंकि सर्दी का महीना है इस वक्त पे तो हम लोग कोई रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पेड़ का ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो होता है। और इस साइड भी इस टाइम पे अगर इसमें फंगस हो गया तो इसको टिकाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना रिस्पॉन्स तो पेड़ को पॉटिंग करने के बाद कभी भी मिल जाता है, लेकिन इसका आगे का टाइम काफ़ी वाइटल है इसको सर्वाइव कराने के लिए, इसको टिकाने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छी तरह से आपको फंगीसाइड स्प्रे करना है। और ये फंगीसाइड स्प्रे करने के बाद हम इसको दोबारा से प्लास्टिक से रैप कर देंगे और 10-12 दिन के बाद इसको ओपन करेंगे और सेमी शेडेड एरिया में पहले रखेंगे। और उसके बाद
आहिस्ता आहिस्ता से इसको धूप में लाएंगे। और इसका अगला जो काम है ये हम शुरू करेंगे फेब्रुअरी और मार्च में। तो आशा रखता हूँ दोस्तों, इस ऑफ टाइम में यानी कि सर्दी के वक्त अगर इमरजेंसी बेसिस में आपको कोई पेड़ का या कोई मटेरियल का रिपोर्टिंग करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं, शायद ये दो वीडियो देखने के बाद आपको एक ठो क्लियर कॉन्सेप्शन मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक ठो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह का नया नया वीडियो देखने के लिए या नोटिफिकेशन पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा आपका अपना ही यूट्यूब चैनल हॉबी गाइड नंदी को। तो आशा रखता हूँ इस पैंडमिक सिचुएशन में आप सब अच्छा रहेंगे, कुशल मंगल से रहेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।